असिस्टेंट CNW जॉब प्रोफाइल पर वीडियो है। ड्यूटी आवर्स कितने की होती है, सैलरी क्या मिलती है, प्रमोशन क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, ये सारे चीज़ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अपने अभी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ग्रुप डी में आप लोग का ज्वाइनिंग होने वाला है CNW विभाग में, ठीक है, डिपार्टमेंट में, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द आप लोग रेलवे परिवार का हिस्सा होंगे और आप लोग देखेंगे कैसे काम होता है। तो खास करके मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात किया जाए कि असिस्टेंट मैकेनिकल CNW में कैसे काम होता है, तो आप लोग देख सकते हैं ये एक डिपो है जहाँ पर ट्रेन चलकर आती है, ठीक है। उनका शेड्यूल मेंटेनेंस यहाँ पर किया जाता है दोस्तों, शेड्यूल मेंटेनेंस किया जाता है, ट्रिप मेंटेनेंस किया जाता है, इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम होता है उसका भी यहाँ पर मेंटेनेंस किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ट्रेन आकर खड़ी होती है और इनमें जो भी प्रॉब्लम होता है, मेजर प्रॉब्लम या माइनर प्रॉब्लम, जब ट्रेन चलकर आती है तो उसको वॉशिंग करके उसकी जांच पड़ताल की जाती है, और जिस ट्रेन में लगता है कि ये अगली ट्रिप के लिए नहीं फिट है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है उस कोच को, और सीक लाइन में भेज दिया जाता है। सीक लाइन क्या, ये एप्रॉन एरिया कहलाता है दोस्तों। और सीक लाइन क्या है दोस्तों, मतलब सीक मतलब बीमार, तो वहाँ आके जो गाड़ियाँ बीमार हो जाती हैं उसको लैब टेक्नीशियन के पद पर जो कार्यरत होते हैं उन लोग चेक करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या समाधान है, ठीक है, उसकी ख़राबी को उसको बनाया जाता है। और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो उसको यहाँ से शेड में ला कर के ले जाया जाता है और वहाँ पर ठीक किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर ट्रेन को दोस्तों लिफ्ट करने के लिए फैसिलिटी होती है, वहाँ से ट्रेन को लिफ्ट करके नीचे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाता है। और यहाँ पर आपको मैं और भी बता देता हूँ कि बहुत सारे चीज़ होते हैं दोस्तों, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम है तो गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए, उसके लिए गाड़ी को अंदर शेड में ले जाते हैं जहाँ पर क्रेन लगा होता है, और बहुत सारे जैक हैं जो गाड़ी को लिफ्ट कर देते हैं, और फिर वहाँ पर गाड़ी का रिपेयर किया जाता है। तो बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं और बता दिया दोस्तों, है ना, कि आपका मल्टीपर्पज़ वर्क है CNW विभाग में। एक ऑब्ज़र्वर की तरह आपको काम करना होगा स्टेशन के अंदर और स्टेशन के बाहर, ठीक है। ट्रेन कोच में आप लोग को वाटर सप्लाई चेक करना होगा, वर्कशॉप में आपका काम होगा बहुत सारा, ठीक है। कैरेज और वैगन का काम होगा। अगर ड्यूटी आवर्स की बात की जाए दोस्तों तो 8 से 10 घंटा की ही ड्यूटी है, उससे ज़्यादा की नहीं रहती है, और ऐसा कोई ओवर टाइम नहीं मिलता ग्रुप डी में, चाहे आप कोई सा भी स्टाफ हो, ठीक है। सीक लाइन में काम करना पड़ता है, पीट लाइन पे काम करना पड़ता है, और रनिंग ट्रेन में अगर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है उसको देखना रहता है, एक टेक्नीशियन की तरह भी काम करना होता है दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं कैंडिडेट्स लोग ग्रुप डी के में अगर CNW कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ के टेक्नीशियन बनते हैं, और रैंडम ट्रेन मैकेनिक की तरह उनको काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी पर, तो 18,000 उनका बेसिक पे होगा, और अभी के डेट में 42% DA हो जाएगा, तो लगभग 7,560 रुपये होता है, तो 25,560 रुपये लगभग यहीं पर हो जाएगा दोस्तों, है ना। और इसमें आप लोग HRA ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं HRA। TA तो खैर नहीं होता है दोस्तों, काफ़ी लंबा रहता है, TA नहीं मिलेगा, और HRA 1800 बेसिक पे है ना। तो इस तरीके से कम अभी के डेट में 28 से 30 हज़ार रुपये अगर आप लोग नए ज्वाइनिंग वाले हैं तो उनको मिलेगा। प्रमोशन की बात करते हैं दोस्तों, प्रमोशन क्या होगा, आप लोग स्टार्टिंग में 1800 ग्रेड पे रहेंगे, 2 से 3 साल में आप लोग टेक्नीशियन 3 में चले जाएंगे, जो कि 1900 ग्रेड पे से शुरू होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रमोशन बहुत जल्दी होगा आप लोग का, और टेक्नीशियन 1 में उसी तरीके से जाने के लिए दोस्तों आप लोग को 3 से 5 साल लग जाएगा, जो कि 2800 ग्रेड पे का होता है। अगर आप लोग किसी वर्कशॉप में, सेम वर्कशॉप में 8 साल से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक सीनियर टेक्नीशियन या MCM मिस्त्री बोलते हैं उसमें पहुंच जाएंगे दोस्तों, जो कि 4200 ग्रेड पे होता है, ठीक है, जो कि JEE के बराबर ग्रेड पे होता है। और एग्ज़ाम के थ्रू दोस्तों आप लोग का होना ही है, LDC JDC के थ्रू, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ की बात की करते हैं दोस्तों, फैसिलिटीज़ वैसी ही रहेगा जो रेलवे स्टाफ को मिलता है, पास मिलेगा, रेलवे क्वार्टर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों CNW का जॉब प्रोफाइल। तो बाकी आप लोग वीडियो का एंजॉय कीजिए दोस्तों, कैसे काम चल रहा है। CNW विभाग एक काफ़ी अच्छा विभाग है दोस्तों, जिसमें आप लोग को मैकेनिकल के अंतर्गत आता है, और आप लोग को प्रमोशन की फैसिलिटीज यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो निराश मत होइएगा,
बहुत सारे ऑप्शन है इस साल ग्रुप डी में, ठीक है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, सैलरी अच्छा है। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों ज़रूर शेयर करें, और मैं और भी जॉब प्रोफाइल लाते रहूँगा, है ना। अब नेक्स्ट जो है असिस्टेंट TL&AC का लाऊँगा जॉब प्रोफाइल, बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।